भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जिसमें नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। हालांकि अब तक किसी भी दल ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। सावित्री मंडावी जी, जो मनोज मंडावी जी की धर्मपत्नी है, उनके सहित और नामों पर विचार हुआ है। कल ही सारे नामों को लेकर आदरणीय पुनिया जी दिल्ली गए हैं। मुझे लगता है आज या कल में कांग्रेस का जो प्रत्याशी उनका नाम डिक्लेयर हो जाएगा। जहां तक भानु प्रतापपुर का सवाल है, वो हमारा कांग्रेस का गढ़ है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी का इलाका है, माननीय कवासी लखमा जी उस इलाके के प्रभारी मंत्री हैं, और हमें लगता है कि भानु प्रतापपुर भी, जैसे हमने 4 उपचुनाव छत्तीसगढ़ में जीते हैं, 5वां उपचुनाव भी कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार दिलीप साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिलीप, जैसा कि छत्तीसगढ़ में उपचुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं, हर एक पार्टी अपनी तरफ से दमखम लगा रही है, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया, इसका हर किसी को इंतजार है, इसको लेकर के कैसी तैयारियां नजर आ रही हैं? जी बूसरा, बता दें कि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और हालांकि जो प्रमुख बड़ी पार्टियों की बात करें, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा, जेसीसीजे, जो आमतौर पर सभी चुनाव में भागीदारी करते हैं, इनके द्वारा भी विशेष रूप से किसी उम्मीदवार की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। लेकिन जो जानकारी आ रही है, भानुप्रतापपुर में ही नामांकन के लिए फॉर्म दिए जा रहे हैं, तो उसको लेकर कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों ने अभी तक नामांकन फॉर्म लिए हैं। लेकिन क्योंकि अभी काफी समय है, 17 नवंबर तक आखिरी समय है और आज पहला दिन है, तो कहीं न कहीं जब बड़ी पार्टियां अपने उम्मीदवार घोषित कर देंगे, जिसमें भाजपा, कांग्रेस प्रमुख रूप से, उसके बाद ही चुनावी सरगर्मियां हैं वो ज्यादा तेज होगी। हालांकि अपनी अपनी तैयारियां हैं दोनों ओर से, और ये भी कहा जा रहा है कि सर्व आदिवासी समाज, जो खास करके आदिवासियों के जो आरक्षण में कटौती हुई है उसको लेकर नाराज हैं, वे भी बैठकें कर रहे हैं। और सर्व आदिवासी समाज की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांकेर में भी हुई थी, उसमें कुल मिलाकर सर्व आदिवासी समाज भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उनकी किस तरह से तैयारियां होंगी, किस तरह से वो किनके खिलाफ मैदान पे खड़े होंगे, इसको लेकर संशय बना हुआ है। जिस तरह से जो बातें आ रही है, वो चाह रहे हैं कि सभी गांवों से एक एक प्रत्याशी खड़ा करेंगे, और तो कहीं ना कहीं वोट काटने की रणनीति हो सकती है, लेकिन फायदा आखिर किससे इनको, इससे किसको फायदा होगा, ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन पूरी तरह जो नामांकन जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है, लेकिन हालांकि अभी तक उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं हुए, इसलिए इस पर आज कहीं ना कहीं उतनी तैयारियां नहीं दिखी। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से दावे हैं अपने अपने, चाहे कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के मंत्री रविन्द्र चौबे का दावा है कि लगातार कांग्रेस ने जिस तरह से 4 उपचुनाव जीते हैं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के बनने के बाद, ये 5वां उपचुनाव भी वही जीतेंगे, क्योंकि इनकी सीट रही है और कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है भानु प्रतापपुर। हालांकि भाजपा की अपनी तैयारियां हैं, वो पूरी दमखम लगा रही है, वो अपनी टीमें लगा रही है, और जो भाजपा के आदिवासी नेता है, खास करके एसटी मोर्चा के जो तमाम नेता है, जिसमें वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय की बात करें, या फिर केदार कश्यप, देवलाल ठाकुर, विकास मरकाम सहित तमाम जो आदिवासी नेता और विधायक है, पूर्व विधायक है, ये लामबद्ध हो गए, एकजुट हो गए और लगातार भाजपा के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनकी एक प्रयास है कि आरक्षण के मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा भुनाया जाए, ताकि सरकार के खिलाफ एक माहौल बने और आदिवासियों का जो आरक्षण में कटौती हुई है उसको मुद्दा बनाकर वो लगातार लड़ाई कर रहे हैं। जिस तरह से कल चक्का जाम किए, दिन से ही शुरुआत से ही भी काफी आक्रामक मोड पे नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से ये पास किया जा रहा है, और सरकार ने एक ये घोषणा कर दी है कि 1 और 2 दिसंबर को जो विशेष विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उसमें इस आदिवासी आरक्षण को लेकर ही एक अध्यादेश या विधेयक के रूप में सरकार लाएगी, तो कहीं ना कहीं ये उसका काट हो सकता है। लेकिन फिलहाल भाजपा काफी आक्रामक मोड में है, लेकिन जब तक दोनों ओर से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो जाती, तब तक देखना होगा कि ये जो प्रक्रिया चल रही है नामांकन की प्रक्रिया, चुनावी जो तैयारियां है, उसमें तेजी नहीं आएगी। लेकिन चुनावी जो सरगर्मियां है वो और तेज होगी। जी सरगर्मियां है वो और तेज होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिलीप।